राजधानी रायपुर के फूल चौक पर स्थित तीन दुकानों में रविवार तड़के 3 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की चपेट में आकर दुकानों के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। खबरों के अनुसार आग की चपेट में आकर घटनास्थल पर खड़े 2 वाहन भी जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयावह है कि आसपास के घरों तक पहुंच गई। इससे आसपास के घरों से लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बताया जा रहा है कि पहले आग ट्रांसफार्मर में लगी, इसके बाद लपटे पास के दुकानों तक पहुंच गई। आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार फूल चौक स्थित एक किचन सामग्री दुकान में आग लग गई। आग धीरे धीरे पास की दुकानों तक पहुंच गई। इससे आग की लपटें 2 और दुकानों में पहुंच गई और धू धू कर जलने लग गई। आग की लपटें पास के घर तक पहुंचने की आशंका पर लोगों को बाहर निकाला गया। किसमें लगा आग से? और ये दुकान में लगा कि वहाँ ट्रांस हाँ कार वाला है तो निकाल ले, कार निकल जाएगी सट से। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर।